हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग परेशान हैं अपने घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से, या फिर आपके हाथों के यानी कि ऊपर की साइड जो कंधे होते हैं उनमें आपके दर्द होता है, यानी कि ज्वाइंट पेन कैसा भी हो, बरसों पुराना हो, आप उससे बहुत ही जल्द छुटकारा पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये पुराने जमाने के लोग जो दादी नानी होती थी हमारी दोस्तों, वो इस नुस्खे को आजमाती थी और अपने पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो जाता था। तो दोस्तों, वही नुस्खा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस नुस्खे में लेना होगा ये प्याज। इसके अलावा हमें इसमें दो चीजें और इस्तेमाल करनी है, वो क्या क्या है वो हम इसमें बताएंगे। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमें इस तरीके का लाल वाला प्याज लेना है, मीडियम साइज का। एक गंठी आप ले लीजिए और इसको आपको छिलका उतार लेना है अच्छी तरह से। इस तरीके से आप इसका छिलका उतार लें अपने चाकू से। तो चलिए मैं छुरी ले लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका प्याज का जो ये पीछे का हिस्सा होता है, इसको हमें अच्छी तरह से निकाल देना है। दोस्तों, प्याज जो है हमारे जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को बहुत ही तेजी के साथ खत्म करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं दोस्तों, बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने प्याज को छील लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको इसका करना है कद्दूकस। तो चलिए हम इस छोटे से कद्दूकस से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं सिलबट्टे पर। तो चलिए मैं इसको सबको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। ये मैंने कद्दूकस कर लिया है और काफी अच्छे से बारीक हो चुका है। इसके बाद में हमें दूसरी चीज जो लेनी है वो है दर्द निवारक। बहुत ही अच्छा काम करती है हल्दी, जो है हमारे हर तरह के दर्द को खत्म कर देती है हमारे शरीर से। दोस्तों, हमारे चोटों को, जख्म को बहुत अच्छे से भरती है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। तो आधे चम्मच के करीब आपको हल्दी लेनी है। हल्दी के इस्तेमाल से बहुत ही जल्द आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि हमें तीन चीजें इस्तेमाल करनी है, तो हमें तीसरी चीज लेनी है सरसों ऑयल। तो आपको खाना तेल लेना है, जो खाना तेल आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक चम्मच के करीब लेना है और अब इसको अच्छे से आपस में मिला लेना है। तो ये हमारा मिल चुका है। अब आपको इसको करना क्या है, किसी भी फ्राई पैन में या तवे पर डाल करके आपको अपने गैस पर रखकर इस पेस्ट को हल्का सा गुनगुना करना है। गुनगुना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको लेना है और अपने ज्वाइंट पर लगा लेना है। आप कंधे पर चाहें तो कंधे पर लगा लीजिए, घुटने पर चाहें घुटने पर लगा लीजिए, या फिर कमर पर। इसको लगाने के बाद में आपको इस पर कोई कपड़ा बांध लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये हमारा पेस्ट 2 से 3 घंटे तक लगा रहे। और आप इसको 2-3 बार करिए हफ्ते में। दोस्तों, आपका जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और कंधों का दर्द जो है खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।